अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? ठीक ठाक दोस्तों। दोस्तों आज हमारे पास एक नोकिया की पैड का सेट आया हुआ है दोस्तों, RM1174। इसका मसला ये दोस्तों कि इसका ये जो की पैड है ये काम नहीं कर रहा है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका ये जो है सारे ये वन मेरे को ये सारे काम कर रहे हैं बिल्कुल सक्सेसफुल, लेकिन इसका जो कीपैड है भी मैं आपको दिखाता था, ये लेफ्ट का देखो काम नहीं करता है, अप का और डाउन का और डायल बटन, बाकी ये जो है ये वर्क कर रहा है। ये डायल बटन देखो ये भी काम नहीं कर रहा है, और यहाँ ये अप, ये डाउन और ये लेफ्ट का की जो है ये भी वर्क नहीं कर रहा है दोस्तों। तो इसके साथ क्या करना है दोस्तों, इसको जो है ना एक जंपर करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह जो है आपने इसको जंपर करना है। तो यहाँ से दोस्तों आपने इसी ये जो है ना सारे जो है ये कीपैड के पॉइंट हैं, ये मैं आपको थोड़ा सा वाज़ह बताऊँ। ये देखो ये पॉइंट जो है ये इसकी जो है ये कीपैड की पॉइंट है। ये देखो ये सारे कीपैड के ये वाले और ये वाले, तो आप इसको इस तरह भी चेक कर सकते हो कि एक एक पॉइंट को आपने मीटर के साथ चेक करना है कि कौन सा पॉइंट कहाँ कनेक्ट है, इसी के साथ भी आप चेक कर सकते हो। नहीं तो आप गूगल पे इसकी जो है ना इसकी डायग्राम भी देख सकते हो। हमने जब चेक किया तो ये हमारा ये जो मसला है ये इस पॉइंट का है, इसी पे जो है वैल्यू नहीं आ रहा है। ये जंपर किया है लेकिन जंपर से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। तो अभी आगे क्या करना है ये देखो, जंपर इस वीडियो में हम आपको दिखा देते हैं। तो चलो देखो दोस्तों, हमने जो है इसको जंपर किया, वालेकुम सलाम, लेकिन फिर भी जो है हमारा प्रॉब्लम साल नहीं होता है। इसमें मसले कभी रीडिंग आता है कभी नहीं आता है। ये देखो जंपर के साथ एक एक कभी वर्क कर रहा है और कभी ये जो है वर्क नहीं कर रहा है। अभी ठीक है लेकिन मोबाइल को ये देखो अभी वर्क नहीं कर रहा है। ये मैं आपको दिखाऊँ, ये देखो ये कभी जो है वर्क कर रहा है, इस पर जब जोर पक जाए तो फिर ये वर्क कर रहा है, नहीं तो ये देखो ये अभी वर्क नहीं कर रहा है। ये हमने जंपर किया लेकिन फिर भी जो है हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। तो अभी दोस्तों इसके साथ क्या करना है, ये देखो अभी इसके ऊपर जोर नहीं, थोड़ा सा इसके ऊपर जोर लगाएंगे तो ये काम करना शुरू कर देता है, लेकिन जब जोर नहीं लगाते तो फिर ये वर्क नहीं कर रहा है। ये देखो अभी हमने इसको टच किया है, ये देखो लेकिन ये वर्क नहीं कर रहा है। ये देखो कोई भी बटन, जब इसको थोड़ा सा इसको दबाते हैं इस बोर्ड को तो ये देखो ये अभी सक्सेसफुल ही नहीं, तो ये देखो अभी थोड़े से टच से ये वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि इसकी आईसी पे जब जोर पड़ जाए तो ये वर्क कर रहा है। तो अभी हमने क्या करना है दोस्तों, ये देखो इसके तरह थोड़ा से ये देखो थोड़ा सा हमने टच किया, या फिर इस तरह मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो ये हमने इसको थोड़ा सा टच किया, ये देखो इसको करते तो ये काम नहीं करता है। तो इसका मसला ये कि इसका ये जो आईसी है इसके ये पॉइंट जो है ये रिसोल्व हो चुके हैं तकरीबन। अभी मैं चेक करता हूँ आपको कि ये जंपर जो है अभी हम हटा लेते हैं और फिर चेक करा देते हैं कि हमारा प्रॉब्लम जो है कहाँ से है। तो अभी इस पॉइंट पे चेक करते हैं कि इस पर पूरा वैल्यू आ रहा है या कभी आता है कभी नहीं आता। उस जंपर को हम हटा देते हैं और वैल्यू भी देखो इसमें भी कभी वैल्यू आता है कभी नहीं आता है। देखो अभी इसमें कोई वैल्यू जो है वो देखो इसमें कभी वैल्यू आता है और कभी नहीं आता है इसी पॉइंट पे। देखो इस पर भी नहीं आ रहा है, लेकिन जब इसको हम थोड़ा सा जो है दबा देते हैं तो फिर इसमें जो है
वीडियो आ जाता है, अभी नहीं आ रहा है। इसी को थोड़ा हम दबाते हैं तो फिर इसमें वीडियो आ जाता है। अभी दोस्तों इसी के साथ क्या करना है, इसकी ये जो आईसी है इसको अभी हम रिसोल्व करेंगे, इसके ऊपर पेस्ट डाल के इसको हीट देंगे और थोड़ा सा हिलाएंगे तो फिर जो है हम देखेंगे कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो साल होता है कि नहीं। मुकम्मल जंपर से तो हमने कर दिया, लेकिन हमारा प्रॉब्लम जो है वो जब हम मोबाइल बंद कर लेते थे तो फिर काम नहीं करता था। तो अभी हम इसकी ये जो आईसी है इसको थोड़ा सा हिलाएंगे और देखते हैं फिर हमारा ये जो प्रॉब्लम है आईसी का, सॉरी बटन का, वो काम करना शुरू कर देता है या नहीं। तो चलो अभी हम इस आईसी को थोड़ा सा हीट दे के जो है हिलाएंगे, हिलाए या ना हिलाए लेकिन इसको हमने हीट देना है और फिर चेक करना है कि हमारा ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है कि नहीं। तो अभी हम आईसी पे हीट दे देते हैं, देखो आईसी हमारी रिसोल्व हो गई है। तो चलो अभी इसको थोड़ा सा जो है ठंडा होने देते हैं और फिर हमारे पास जो है दोस्तों टनल भी ख़त्म हो गए हैं। तो चलो अभी इसको चेक करते हैं, अभी भी ये बहुत ही हीट कर रहा है और अभी इसकी ये पॉइंट जो है इसको चेक करते हैं कि इसमें पूरा वैल्यू आ चुका है कि नहीं। तो अभी तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वैल्यू सक्सेसफुली आ चुका है। अभी हम कीपैड में चेक करेंगे, यहाँ भी विदाउट जंपर जो है अभी हमारा वैल्यू आ चुका है। अभी मैं आपको चेक करा के दिखा देता हूँ, विदाउट जंपर जो है दोस्तों अभी इसमें वैल्यू आ चुका है। ये देखो अभी हमने इसमें कोई जंपर शंपर नहीं किया लेकिन आईसी को जो है वो हीट कर दिया है, जंपर के साथ हमारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं हुआ है। ये देखो और अभी इसी से आईसी की हीट से हमारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो चुका है। तो अभी इसको दोस्तों बंद करके चेक करेंगे कि हमारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हुआ है कि नहीं। तो अभी तो मैं आपको चेक करा के दिखा देता हूँ, सॉरी, फिर इसको बंद करेंगे। ये हमारा मोबाइल ऑन हो चुका है दोस्तों और अभी इसको हम चेक करेंगे कि विदाउट जंपर, ये देखो दोस्तों अभी इसके थोड़ा सा हम इसको टच करते हैं तो हमारा प्रॉब्लम जो है वो काम कर रहा है, हमारा बटन सॉरी जो है वो काम कर रहा है। आप देख सकते हो ये डायल का बटन अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ये देखो सक्सेसफुली अभी ये वर्क कर रहा है। तो जंपर से दोस्तों हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, अभी ये देखो अल्हम्दुलिल्लाह आईसी की हीट से जो है वो हमारा प्रॉब्लम सक्सेसफुली सॉल्व हो चुका है। तो दोस्तों आपने हमारा न्यू मोबाइल रिपेयरिंग को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है दोस्तों, बेल का आइकन ज़रूर दबाना है ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की अपडेट मिल सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।